किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर हम आपको बतलाएंगे सिजेंटा कंपनी की रिवर्स फंगिसाइड और UPL कंपनी की रनमैन फंगिसाइड, इन दोनों में से कौन सबसे बेस्ट है, इन दोनों में टेक्निकल कौन सा है। इसके साथ ही हम बात करेंगे इनकी डोज के बारे में, प्राइस के बारे में, मात्रा के बारे में और कौन सी फंगिसाइड के साथ आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। रिवर्स और रनमैन फंगिसाइड दोनों की रेन फास्टनेस और साथ ही बात करेंगे रेसिडुअल एक्टिविटी कितने दिन तक है और फ्लावरिंग स्टेज पर कौन फंगिसाइड सबसे बढ़िया है। इन सभी बातों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो। चलिए शुरू करते हैं। सिजेंटा कंपनी की रिवर्स फंगिसाइड में जो टेक्निकल है, मैंडी प्रोपामाइड 23.4% जो कि SC फॉर्म में आती है, यानी लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आती है, सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। वहीं रनमैन की अगर बात करें टेक्निकल के बारे में तो इसमें कॉम्बिनेशन है साइजोफोमाइड 40% जो कि SC फॉर्म में आती है, यानी साइजोफोमाइड 400 SC, यह भी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट यानी लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आती है। यह दोनों ही फंगिसाइड कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टम के साथ साथ ट्रांसलुमिनर फंगिसाइड है, यानी स्पर्शनाशी और अंतर प्रवाही के साथ साथ जैसे ही हम अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं, ट्रांसलुमिनर है तो जैसे ही हम अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं तो पत्तों के आंतरिक सतह से यानी पत्तों की ऊपरी साइड से नीचे साइड तक तुरंत यह फैल जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। सिजेंटा कंपनी की रिवर्स फंगिसाइड फंगस के सेल वॉल की चेन को तोड़ता है, वहीं UPL कंपनी की रनमैन फंगिसाइड सेल डिवीजन को रोकता है। यदि क्रॉप स्प्रे के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों फंगिसाइड को आप हरी सब्जियों पर, फसलों पर, बागवानी पर, अंगूर पर, ब्रोकोली पर और सभी प्रकार की क्रॉप पर आप स्प्रे कर सकते हैं रिवर्स को और रनमैन को। बात करते हैं फंगस कंट्रोल, तो रिवर्स फंगिसाइड डाउनी मिल्ड्यूट को, लेट ब्लाइट को और फाइटोफेथोरा ब्लाइट को कंट्रोल करती है, वहीं रनमैन फंगिसाइड डाउनी मिल्ड्यूट को और लेट ब्लाइट को रोकता है। बात करते हैं रेन फास्टनेस, तो रिवर्स फंगिसाइड का स्प्रे करने के बाद 1 से 2 घंटे तक यदि बरसात नहीं होती है तो हमको 100% रिजल्ट मिलते हैं। वहीं UPL कंपनी की रनमैन का रेन फास्टनेस की अगर बात करें तो स्प्रे करने के बाद 40 से 50 मिनट तक यदि बारिश नहीं होती है तो हमको 100% रिजल्ट मिलते हैं। किसान मित्रों, बात करते हैं रेसिडुअल एक्टिविटी, तो सिजेंटा कंपनी की रिवर्स फंगिसाइड 10 दिनों तक हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं, यानी स्प्रे करने के बाद हमको 10 दिन तक हमको रिजल्ट और परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा UPL कंपनी की रनमैन फंगिसाइड की रेसिडुअल एक्टिविटी 12 से 13 दिन तक हमको मिलती है। सिजेंटा कंपनी की रिवर्स फंगिसाइड को यदि आप फ्लावरिंग स्टेज पर स्प्रे करते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होंगे। वहीं रनमैन फंगिसाइड का स्प्रे फूल से पहले या फिर बाद में यदि आप प्रयोग करते स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। रिवर्स फंगिसाइड प्रिवेंटिव अच्छा काम करती है, मतलब डाउनी मिल्ड्यूट और लेट ब्लाइट आने से पहले यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आपको परिणाम देखने के लिए मिलेगा। साथ ही रनमैन जो फंगिसाइड है यह क्यूरेटिव बढ़िया रिजल्ट हमको देती है, यानी फंगस, लेट ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यूट आने के बाद भी यदि हम रनमैन का स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। साथ ही बात करते हैं डोज के बारे में, तो 1 एकड़ में जो रिवर्स फंगिसाइड आती है 150 से 200 लीटर पानी में 160 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। वहीं UPL कंपनी की रनमैन फंगिसाइड का जो डोज है प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में 40 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए, यानी रनमैन को 15 लीटर पानी में 4 ml और सिजेंटा कंपनी की रिवर्स फंगिसाइड को 15 लीटर पानी में 16 ml की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों पर डाउनी मिल्ड्यूट कम मात्रा पर है, यानी डाउनी मिल्ड्यूट का इन्फेक्शन कम मात्रा पर है तो रिवर्स फंगिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि डाउनी मिल्ड्यूट का प्रकोप इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप UPL कंपनी की रनमैन फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। किसान मित्रों, सिजेंटा कंपनी की रिवर्स फंगिसाइड को आप अमीस्टा टॉप फंगिसाइड, मैंकोजैब, फेंटा प्लस, कल्टार, स्कोर, टिल्ट और एंट्राकॉल फंगिसाइड के साथ मिक्स करके भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो UPL कंपनी की रनमैन फंगिसाइड आती है इसको आप टाटा की ताकत के साथ, रेडोमेल गोल्ड फंगिसाइड के साथ, सागरिका के साथ, अमीस्टा टॉप के साथ और टाटा की जो बाहर आती है UPL कंपनी की साफ फंगिसाइड
और डाव की डेलीगेट के साथ रनमैन को मिक्स करके कॉम्बिनेशन करके भी आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, तो सिजेंटा कंपनी की रिवर्स फंगीसाइड का जो प्राइस है 160 ml का पैक लगभग 680 से 700 रुपए के आसपास उपलब्ध हो जाता है। और यूपीएल कंपनी की रनमैन फंगीसाइड के प्राइस के बारे में बात करें तो 40 ml का प्राइस मार्केट में लगभग 750 रुपए के आसपास उपलब्ध हो जाती है। किसान भाइयों, 100 बात की एक बात यह है, यदि आप हमसे पूछेंगे कि सिजेंटा की रिवर्स और यूपीएल कंपनी की रनमैन फंगीसाइड पर दोनों में से बेस्ट कौन सी है, तो हम आपको बताएंगे कि यदि फंगस नहीं आए हैं और यदि आप प्रिवेंटिव स्प्रे करना चाहते हैं तो आप सिजेंटा कंपनी की रिवर्स फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि फंगस का इन्फेक्शन हो गया है तो आप यूपीएल कंपनी की रनमैन फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कुछ ऐसी और भी इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।